हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने स्टार पैटर्न प्रिंट करना सीखा था कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल शेप में कैसे क्रिएट किया जाता है स्टार के थ्रू, स्टार पैटर्न्स प्रिंट करके ट्राइंगल शेप कैसे बनाई जाती है। तो ये जो पैटर्न था उसको हमने स्टार फॉर्म में कैसे ये ट्राइंगल प्रिंट होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे कि अगर हमको अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हो सेम पैटर्न में, तो स्टार वाले पैटर्न में तो हम लिख देते थे कि हाँ प्रिंट एफ स्टार, तो स्टार प्रिंट होता था। अभी हम देखेंगे कि सेम पैटर्न अगर हमको अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमको फर्स्ट रो में चाहिए ए, सेकेंड रो में हमको प्रिंट करवाने दो लेटर्स ए एंड बी, फिफ्थ हम चाहते थर्ड रो में हमारा ए बी एंड सी प्रिंट हो, फोर्थ रो में हमारा ए बी सी एंड डी प्रिंट हो, फिफ्थ रो में हमारे लिए ए बी सी एंड डी एंड ई। तो ये हम प्रिंट करवा सकते हैं, जितना भी पैटर्न हमको जितनी भी रोज में प्रिंट करवाना है वैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर वेरिएबल का यूज़ किया है, कैरेक्टर सी एच लेके हमने प्रिंट करवाया है, क्योंकि हम लोग इस पैटर्न को डायरेक्टली कैरेक्टर को ए लेके हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। कैरेक्टर लेके हम लोग उसको वैल्यू असाइन करते हैं जिस तरीके से, तो उसको ए असाइन करके हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसमें ये है कि हमको फर्स्ट रो में ए चाहिए, देन सेकंड रो में वापस ए चाहिए, फिर बी चाहिए, थर्ड रो में ए चाहिए बी चाहिए फिर सी चाहिए। तो ये वाला पैटर्न हम किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे। लूप हमारा चलेगा आई एंड जे के लिए, आई हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ जितने भी है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है 5, तो हमने आई वाला लूप चलाया 5 टाइम्स। फिर इस लूप के अंदर हमने कैरेक्टर इक्वल टू ए असाइन किया है। इस फोर लूप के बाद क्यों किया है, क्योंकि हर बार जब जे वाला लूप चलेगा तो हमको पहले, मतलब उसका जो प्रिंटिंग करना है वो स्टार्टिंग हमको ए से करनी है, तो इसलिए हमने ये सी एच यहाँ पर, इसको सी एच को वैल्यू यहाँ दिया है इस लूप से पहले, कि हर बार सी एच की वैल्यू ए से स्टार्ट होनी है, देन जे इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस, जितनी भी जे की वैल्यू है वहाँ तक ये प्रिंट करेगा कैरेक्टर को, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा हर रो में ए से ही करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने कैरेक्टर इक्वल टू ए लिया है। देन हम प्रिंट एफ परसेंट सी, परसेंट डी लगाते हैं हम जब इंटीजर प्रिंट करते हैं तब, तो यहाँ पे हमने लिया है परसेंट सी ले लिया है, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं, एंड देन सी एच प्लस प्लस, कैरेक्टर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया है, तो ए बी सी डी इस तरीके से प्रिंट होएगा। नेक्स्ट हमने प्रिंट किया है स्लैश एन, ताकि हमारा जो भी प्रिंटिंग हो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो हर रो हमारी। तो इस तरीके से इस लॉजिक के साथ हमारा ये पैटर्न प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और पैटर्न है कि अगर हमारे पास हमको अल्फ़ाबेट्स अगर रिपीट ना करने हो, सेम पैटर्न ट्राइंगल जो शेप है वही रहेगा, पर हमको कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करना है, तो इसको हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। इसको प्रिंट करवाने के लिए हम लूप लगाएंगे, ऑटो लूप इनर लूप जे के लिए। तो हमने इसको जो हम पहले वाले प्रोग्राम में हम फोर लूप से, जे वाले फोर लूप से पहले जो कैरेक्टर इक्वल टू ए कर रहे थे, यहाँ हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कैरेक्टर सी एच इक्वल टू ए कर दिया, क्योंकि जे से पहले, जे वाले लूप से पहले करेंगे तो हर बार रो जो स्टार्ट होगी वो ए से स्टार्ट होगी। बट इस वाले पैटर्न में, इस वाले प्रोग्राम में हमको कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं करना है, तो कैरेक्टर इक्वल टू सी एच इक्वल टू ए हमने स्टार्टिंग में कर दिया, जे वाले लूप से पहले हम नहीं करेंगे, उससे कैरेक्टर रिपीट होते हैं, और जो आई वाला और जे वाला लूप है वो सेम चलेगा, नंबर ऑफ रोज जितनी हैं उसके लिए आई वाला लूप, आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, देन जे वाला लूप चलाएंगे हम लोग कि हमको कितने नंबर्स, कितने सॉरी अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए जे इक्वल टू 1, जे इज़ देन लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, कि जितनी नंबर रोज होगी उस हर रो में हम लोग जो उतने ही अल्फ़ाबेट प्रिंट करते जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ परसेंट सी सी एच प्लस प्लस, तो ए से स्टार्ट होगा हमारा प्रिंट होगा। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा ए प्रिंट होगा, देन सेकेंड टाइम में बी सी प्रिंट होगा, थर्ड टाइम में डी ई एफ, एंड इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा और चलता जाएगा। एंड स्लैश एन प्रिंट किया है हमने, न्यू लाइन से प्रिंटिंग हो हमारी हर बार, हर रोज जो स्टार्ट होगी वो न्यू लाइन से हमको करनी है पैटर्न बनाने के लिए, इसलिए हमने स्लैश एन भी प्रिंट किया। तो इस तरीके से इन दोनों प्रोग्राम्स के लॉजिक में हल थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर कैरेक्टर रिपीट करना हो तो जे वाले लूप से पहले हमको सी एच इक्वल टू ए करना, नहीं करना है तो फिर हमको ऊपर ही जहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल वहीं हम लोग उसको इक्वल टू ए करके असाइन कर लेंगे। तो ये दोनों पैटर्न्स हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रिंट करनी हो तो किस तरीके से की जाती हैं।